अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज ईमान में रखे। तो यहाँ पे जी मॉर्निंग का टाइम था, तो आज है सैटरडे। तो सैटरडे का दिन ऐसा ही होता है कि बस जन्नत जो कहती है वही होता है। तो जन्नत को आज मॉर्निंग में जी हो रहा था कि उसने परांठा ही खाना है, तो परांठा उसको बना के देना पड़ा। तो मुझे टाइम भी कुछ ख़ास नहीं मिला था कि मैं आटे को थोड़ा सा रेस्ट दे देती, क्योंकि मुझे होता है नॉर्मली ये सुबह में उठ के जो है ब्रेकफास्ट जो करती है वो कभी सीरियल होता है या कभी नुटेला ब्रेड होती है या ऐसे ही कुछ, बट मॉर्निंग में ज़्यादातर वो नहीं खाती ऐसे। तो उसके साथ साथ उसको परांठा भी ऐसा खाना होता है जो बस जो है ना स्क्वायर हो या उसकी अपनी शेप्स जो आजकल सीखती है। तो फिर यहाँ पे मेरे रात के दाल चावल भी थे, मैंने जो है मसर बनाए थे जो आज जन्नत को काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पे आयत भी आ गई थी कि मुझे भी खाना है, तो फिर मैंने दोनों को अच्छे से ब्रेकफास्ट सुबह में ही करा दिया था। फिर मैंने जी तैयारी शुरू की अपनी क्लीनिंग की। तो क्लीनिंग में आज मेरा कुछ ख़ास मूड नहीं था, मैं जस्ट सिंपल सिंपल क्लीनिंग कर रही थी। लेकिन एकदम से मैंने ना फिर सोचा कि मैं जिसको किचन के जो है ना चूल्हे को बहुत अच्छी तरह साफ़ करती हूँ, तो फिर मैंने ना इसके सारे जो होते ना हैंडल्स और ये जो उतार के ना सब कुछ, तो मैंने ये साइड पे रख के मैंने अच्छी तरह से नीचे से क्लीन करके मैंने सोचा इसके ऊपर सिल्वर फॉइल जो है वो इससे वो मैं इससे थोड़ा पैक कर देती हूँ, क्योंकि इससे ये हो जाता है जो रात को मैं इसको क्लीन करके ऊपर गई हूँ तो जब रात में हस्बैंड ने आके 1 बजे के करीब अपने लिए दूध बॉयल किया तो वो सारा चूल्हे के अंदर चला गया था। तो मैं आज सारा ही बन जो है ना सेट करके तो मैं इसके ऊपर सिल्वर फॉइल चढ़ा दूँगी, अगर कभी कोई चीज़ गिरती भी है तो उसके ऊपर ही रहे, ताकि मैं जब भी उतारूँ तो नीचे से चूल्हा जो है वो बिल्कुल ही फ्रेश हो। तो इसलिए जो है मैं ये कर रही हूँ, वरना मुझे मैं तो इस बात पे ओके हूँ रोज़ डेली साफ़ करना होता है। सिल्वर फाइल के ऊपर से भी हम साफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये होगा कि 1-2 दिन बाद सिल्वर फाइल भी चेंज कर दिया करूँगी। तो यहाँ पे मैं जो है ना सिल्वर फाइल डालने से पहले मैंने अच्छी तरह से नीचे से सब कुछ क्लीन कर दिया था, तो चूल्हा बिल्कुल साफ़ था नीचे से भी, मैं क्योंकि करती रहती हूँ। तो फिर जो है ना मैंने अपना सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा था तो मैंने उसे हाथ से थोड़ा सा करके तो उसे लगाया, तो सिर्फ ऐसा होता है कि जितना भी हो ना ब्लैक से ब्लैक जो निशान भी होता है ना वो 1 मिनट में उतार देता है। तो यहाँ पे बिल्कुल उसने बिल्कुल साफ़ कर दिया था, आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, फिर मैंने इसके लिए सिल्वर फॉइल कट की और मैंने इसको इसके ऊपर फिक्स करके देखा कि एडजस्ट हो रही है, तो एडजस्ट करके मैंने उसको फिर उसकी मदद से सीज़र की मैंने इसके जो होल्स थे उनको निकाल दिया बाहर, जहाँ से हमें जो है मैंने सब कुछ चेक करके ही फिर बंद किया था। फिर मैंने उसके ऊपर जो है ना चूल्हे का वो रख के देखा कि आँच चल रही है, तो चल रही थी, तो मैंने फिर इसको डन किया। फिर नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही काट के मैंने उसे अच्छी तरह से एडजस्ट करके लगा दिया था। आज हम सारा दिन से एक डिलीवरी का वेट कर रहे थे, कुछ जन्नत की डिलीवरी आने वाली थी, तो हम आज बस सारा दिन से उसी के इंतज़ार में बैठे थे, क्योंकि स्पेशली जन्नत वो हर नॉक होने पर दरवाज़े पे जाकर देखती थी कि उसकी डिलीवरी आ गई है। तो आज का दिन काफ़ी एक्साइटेड भी था, क्योंकि जन्नत बहुत एक्साइटेड थी अपने लिए। फिर यहाँ पे मैंने किचन क्लीनिंग के बाद मैंने अपना प्याज अच्छी तरह से फ्राई करके आज मैं थोड़ा सालन बना रही हूँ चिकन का, और इसमें थोड़े से आलू भी डालूंगी क्योंकि बच्चे शौक से खा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना मैंने अपने
ओनियन को फ्राई करके निकाल लिया था अच्छी तरह से, इससे इस चीज़ से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। मैं इसलिए ये वाला मेथड ट्राई करती होती हूँ क्योंकि बहुत खूबसूरत टेस्ट आ जाता है हांडिया में। तो यहाँ पे मैं फिर अदरक और लहसुन डाल दिया इसके अपने चॉपर के अंदर, फिर इसी में मैं सारे स्पाइसेस ऐड करके और टमाटर ऐड करके इसे चॉप कर लूँगी, और दूसरी तरफ मैं अपनी जो है वो चिकन को अच्छी तरह से भूनूँगी ऑयल के अंदर और थोड़े से मसालों में। तो ये टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है और काफ़ी बेहतर होता है, बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपने पैन में जो है वो ज़ीरा और आई थिंक मैंने काली मिर्च भी डाली थी और थोड़े से करी लीव्स डाले थे, तो इनको डाल के मैं अपनी जो है ना वो मुर्गी डाल दूँगी। फिर इनको अच्छी तरह से मैंने सोटे कर लिया था, फिर इसमें मैंने मुर्गी ऐड करके चिकन अपना ऐड करके इसे अच्छी तरह से मैंने इसे भून लिया था। बिल्कुल हाफ डन हो चुका था जब मैंने इसमें ये वाला मिक्सचर जो मैंने बनाया था वो ऐड किया था। उसमें मैंने टमाटर डाला था और लहसुन अदरक था, और इसमें जो मैंने प्याज जो है वो ब्राउन किया था वो डाला था, और उसमें मसाले सारे डाल के मैंने उसे चॉप कर लिया था। जब मेरी मुर्गी बिल्कुल जो है ना मेरा चिकन जो है डन हो जाएगा तो तब मैं इसके अंदर जो है ना वो ये वाला मिक्सर ऐड कर दूँगी इसे चॉप कर। तो यहाँ पे मैंने सब अपने स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए थे, अब मैं इसको चॉप करूँगी, और चॉप करते करते मेरा चिकन जो है हाफ डन हो चुका था, तो मैं इसको जल्दी से चॉप करके इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। तो फिर जो है साथ ही साथ मैंने आलू भी डालने थे इसमें, तो मुझे आलूओं का याद आया था, मैंने देखा तो मेरे पास सिर्फ ओनली दो थे, और जो क्योंकि मेरी सारी ग्रोसरी ख़त्म हो चुकी है इस वीक की, तो मैं इसलिए ना लिडल का चक्कर लगाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, तो बहुत जल्द मैं जाके अपना सारा घर की ग्रोसरी करके आऊँगी। तो यहाँ पे जी मैं इसको फटाफट से चॉप कर लूँगी क्योंकि मेरी जो है ना चिकन जो डन हो चुकी थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया क्योंकि जो है ना मिक्सचर काफ़ी थिक था, तो इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया। तो फाइनली चॉप हो चुका था तो मैंने इसमें सारा मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से इसमें भी पकाऊंगी थोड़ी देर, पकाते पकाते जो है वो फिर जो है इसमें मिक्स करेंगे। साथ ही साथ मैंने आलू थोड़े से चॉप किए, तो आलू चॉप करके मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। तो आलू को मैंने बाद में डाला था क्योंकि पहले मैं इसे अच्छी तरह चाह रही थी। मुर्गी तो आपको नज़र आ ही रहा होगा कि हाफ डन तो हो चुकी है, बल्कि फुल ही हो चुकी है तकरीबन। अब जितना अच्छा इसको भून लेंगे ना ऑयल में उतनी अच्छी ही इसका टेस्ट होगा। तो यहाँ पे ये सब कुछ हो चुका था, तो मैंने इसमें इसका मिक्सर जो बना के रखा हुआ था तो वो भी मैंने इसमें ऐड करके उसमें भी अच्छी तरह से इसको भून लिया था। तो फिर यहाँ पे मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया था और अच्छी तरह से मिक्स भी कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने जो है आलू भी काट के रख लिए थे, वो भी इसमें मैं शॉर्टली ऐड करूँगी। तो ऐसे ही खाना बनाते बनाते मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो उन्हें काफ़ी भूख लग रही थी, तो उन्होंने कहा मेरे लिए बस फटाफट से रोटी बना दो। तो मैंने फटाफट से उनके लिए रोटी भी साथ साथ जो है वो पिछले चूल्हे पर कर दिया, और साथ साथ रोटी भी बनाना स्टार्ट कर दी। तो रोटी भी साथ ही साथ मैंने बनाना स्टार्ट कर दी थी, और साथ ही फिर मुझे परांठे की रिक्वेस्ट आई थी, तो परांठा भी बनाना ज़रूरी था। तो मैंने एक ना फेसबुक पर रेसिपी देखी थी, ये काफ़ी मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा ये आज ट्राई करती हूँ, क्योंकि आज मेरा सारे घर का काम हो चुका था, तो मैं काफ़ी रिलैक्स थी क्योंकि आज थोड़ा सा मैं जो है ना टाइम दे सकती थी ऐसी चीज़ों में। तो फिर मैंने ना सोचा कि ऐसे वाला परांठा बनाकर ट्राई करती हूँ। ये परांठा ऐसे था कि ना उसमें सब कुछ ऑयल ऐड करके ना इसको बिल्कुल काट देना है, बिल्कुल लेयर्स में काट देना है, फिर इसको जो है ना हमने बड़े हल्के हाथों से उठा के इसको बनाना है। तो ये मेरी फ़र्स्ट ट्राई थी इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत मज़े का बना था। हर लेयर में उसका टेस्ट आ रहा था जो है ना ऑयल का जो हमने लगाया था, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन गया था। कुछ जो है वो आयत सो रही थी, तो इसलिए मैं काम भी बहुत अच्छे से कर पाती हूँ जब वो सो रही होती है ना। तो यहाँ पे जी मैंने आपको बताया था फाइनली जन्नत का जो है वो आ चुका था, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी थी, तो जन्नत बहुत एक्साइटेड हो रही थी। तो हमें वाकई में कुछ नहीं पता था क्योंकि जन्नत ने कल अपने बाबा से कोई फरमाइश की थी, तो वो ऑर्डर आया था, तो उसे कुछ पता नहीं था कि क्या है। वो कुछ एजुकेशनल टॉयस आई थिंक ऑर्डर किए थे, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। तो इसी के साथ